भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान में विधानसभा में जो गहलोत साहब की नींद उड़ा देते हैं, ऐसे हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र जी, उनके साथ ही विराजे आदरणीय जयपुर संभाग के प्रभारी भी हैं आदरणीय दिगंबर सिंह जी मंच में विराजमान। भाई आप लोगों को गर्मी लग रही है क्या? ए बाबा जी, ओ बाबा जी, थोड़ा आगे चले जाओ। रागिनी लोग अभी थोड़ी देर में आ रही है, बांसी वालों थोड़ी देर हमारी भी सुन लो, रागिनी की भी सुनना पर हमारी भी सुन लो, कुछ अच्छी सुनाऊंगी मैं। रागिनी वाले भाई नहीं हुए आप अपने आगे बढ़े। मंच विराजमान आपके हरियाणा के ही बहुत मजबूत और राजस्थान में हमारे निर्दलीय विधायक गहलोत के नाक में दम करने वाले आदरणीय रणवीर जी पहलवान और आप सबके चेहरे पे यहाँ आपके लाडले विधायक आदरणीय पंडित रोहितास जी मंच में विराजमान, भैरव सिंह जी के जमाने के हमारे नेता, बहुत पुराने, बहुत कर्मठ और जिनके पास होम मिनिस्ट्री रही, ऐसे आदरणीय कैलाश जी भाई साहब मंच में विराजे, जो गहलोत के सामने कान ठोकते हैं, जोधपुर से हमारे आदरणीय राजेंद्र जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय भाई साहब बैठो ना, और यहाँ उपस्थित इस सभागार में बांसुर की जनता, बहुत देर से मैं सब लोगों को देख रही थी, इधर जवान भी थे, बीच में बुजुर्ग भी बैठे हैं और इधर हमारी माता और बहनें भी बैठी हुई हैं। बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ ही देर में अभी हम लोग के पास टेलीफोन आया है कि थोड़ी देर वसुंधरा जी आप लोग के बीच में आने वाली है। जब वो सुबह निकली यहाँ आने के लिए तो पूरे रास्ते में अलवर जिले के लोग उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, हर जगह रोक रोक के उनका स्वागत चल रहा है, हर लोग उनको दो मिनट उनको माला पहनाने को आतुर हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब वो आधे घंटे के अंदर वो आपके सभा में होंगी और आप लोग सब उनका भाषण भी सुनेंगे। पर हम लोग यहाँ जब उपस्थित हुए हैं, तीन चार दिन से मैं बांसुर में घूम रही हूँ, मैं और रणवीर जी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, सब जगह घूमे, हमने सोचा बांसुर श्री गहलोत ने बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन जब गांव और ढाणी में गए तो गहलोत का नाम पता नहीं। हमने पूछा गहलोत को जानते हो, तो महिलाएं पूछी कौन है गहलोत, कोई बोला राजेंद्र जी गहलोत, कोई कुछ, मैंने कहा एक अशोक गहलोत भी है अपना मुख्यमंत्री भाई, तो बोले कोई गहलोत को हम नहीं जानते हैं, जो राजधानी थी जयपुर में बैठ के रोज टीवी में और समाचार पत्र में चिल्लाता है कि राजस्थान के लोगों के लिए हमने इतना कर दिया, हमने उतना कर दिया, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। मैं तो सोचती थी कि अलवर जिले में उसने तो बिल्कुल विकास की गंगा खोल दी होगी, भैया अलवर में एक मंत्री भी है दिल्ली का, बहुत नामी मंत्री है, सीधे सोनिया और राहुल से संपर्क है, मैंने सोचा अलवर में चमन ही चमन होगा, लेकिन कहीं कुछ अलवर में नहीं है, न सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है, सारा किसान दुखी, जवान दुखी, महिलाएं दुखी। कल मैं कुछ महिलाओं के बीच में गई थी, मैंने उनसे पूछा कि आपको लुगड़ी उगड़ी साड़ी मिल रही है, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मिल रही है। सब बहुत दुखी थी, रसोई को लेके बहुत ज्यादा दुखी थी कि हमारी रसोई में हमारा मन नहीं लगता। मैंने कहा क्यों नहीं लगता माता बहनों, रसोई में तो हमारी आत्मा जमती है, सबसे ज्यादा मन हमारा रसोई में लगता है। पर माता बहनों ने रोते हुए मुझे सुनाया कि रसोई में हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि रसोई के डब्बे हमारे सारे खाली है, दाल कितनी महंगी हो गई, तेल कितना महंगा हो गया,
आटा कितना महंगा हो गया और चीनी कितना महंगा हो गया। जब हम रसोई में जाते हैं तो रोने का मन करता है कि हम अपने बच्चों का आज कैसे पेट भरेंगे, कैसे दाल को पतली बनाए कि 10 कटोरियों में अपने परिवार को हम खिला दें, परिवार को दाल खिलाए या जहर देके सुला दें। समझ में नहीं आता, इसलिए मन रोता है। मेरा भी मन बहुत दुखी होता है। भाइयों, मैं भी रसोई में ही रहती हूँ, नेतागिरी जरूर करती हूँ, लेकिन रात में रसोई में जरूर जाती हूँ कि दिन भर क्या हुआ। तो रसोई में जाती हूँ तो मैं सोचती थी कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी की हूँ, शायद इसलिए रहती हूँ, लेकिन जब बानसूर के गांव में गई तो मुझे कि यहाँ भी 7 महिलाएं रो रही है। हमारे रणवीर जी पहलवान विधानसभा में है, बजट भाषण में जब गहलोत साहब भाषण दे रहे थे, हर साल में बजट होता है दोस्तों, बजट भाषण देने लगे तो बहुत सारी घोषणाएं की, एक भी घोषणा विधानसभा से बाहर नहीं आती है, सब उनके जेब में ही जाती है, उनके घर जाती है, उनके परिवार में जाती है, नहीं तो वाकई बम्बई चली जाती है, राजस्थान में नहीं पहुंचती है उनकी घोषणा। तो वो घोषणा कर रहे थे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम माता बहनों को साड़ी देंगे, लुगड़ी देंगे, कंबल देंगे। तो हमारे रणवीर पहलवान ने सदन में उठ के क्या कहा दोस्तों, और हम लोग भी यही कहते हैं कि बोला गहलोत साहब, साड़ी देने के लिए हमारा बिल है, हमारा आदमी है, हमारा साई है, साड़ी लुगड़ी तो हमारा आदमी दे देगा, पर तुम हमारी इज्जत तो मत लूटो। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, वो साठ से पूरा नहीं हो सकता। साठ तो हमारा आदमी भी पहना देगा, हमारा भाई भी पहना देगा, हमारे घर के लोग भी पहना देंगे, पर इज्जत लूटने का काम जो तुम लोग कर रहे हो राजस्थान में, वो मत कर। राजस्थान का सत्यानाश कर दिया महिलाओं को लेके। किस तरह हम लोग शान से वसुंधरा जी के राज में निकलते थे, रात हो दिन हो महिलाएं निर्भीक होकर चलती थी, किसी को डर नहीं लगता था, राजस्थान का नाम देश में हो रहा था। और आज राजस्थान का नाम क्या चीज में हो रहा है, स्कूल बच्ची जाती है माँ को चिंता रहती है कि घर आ जाए, थाने में बच्ची जाती है माँ को चिंता रहती है कि महिला कांस्टेबल है ठीक ठाक घर की नहीं, कहीं भी चले जा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये रावण रूपी लोग पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, हम लोग माँ बेटियों की इज्जत लूटने का काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी के समय राजस्थान से जब हम दिल्ली जाते थे तो एयरपोर्ट पे बस स्टैंड पे कहीं उतरते थे दोस्तों, तो लोग पूछते थे कहाँ से आई हो सुमन जी, तो मैं कहती थी मैं राजस्थान से आई हूँ, तो बहुत खुश होते थे, कहते थे अरे राजस्थान वही राजस्थान मीरा की नगरी, पन्ना धाय पद्मिनी की नगरी से और वसुंधरा जी के राज्य से आई हो, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। और अब जब जाती हूँ 4.5 साल बाद दोस्तों, और जब दिल्ली में उतरती हूँ तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं, तो मैं उसी शान से कहती हूँ कि मैं तो राजस्थान से आई हूँ, तो मुंह घुमा लेते हैं, अरे ये तो भवरिस्तान से आई है, उसी राज्य से आई है जहाँ भवरी को मार दिया गया, जहाँ भौरी के साथ बहुत कुछ गड़बड़ किया गया, जहाँ के मिनिस्टर और विधायक महिलाओं की इज्जत लूटते हैं, डूब मरो जब से डूब मरो, और मुंह फेर लेते हैं। हमें भी शर्म आती है और रोने का मन करता है कि हम कैसे राजस्थान में जन्म ले लिए, जहाँ हम बाहर जाते हैं तो हमारी इज्जत पे लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। ये राजस्थान में हमारे गहलोत ने किया है। भाइयों, और किसानों की हालत और गड़बड़ी है। मुझे तो रणवीर जी की बहुत बातें याद आती है। कल उनके साथ में प्रचार कर रही थी तो एक गांव में उन्होंने एक कहानी सुनाई, जो आप लोगों को भी सुनाती हूँ किसान भाइयों, आप लोग के लिए है। एक बार सोनिया गांधी आ रही थी, रास्ते में एक गांव पड़ा, बोली गाड़ी रोको गाड़ी रोको, और उतर के गांव में खेत के पास चली गई, और वहाँ 2-4 किसान खेत में खड़े थे, बोले लगी वाह क्या चने की खेत है, बहुत मेहनत करते हो किसान भाई, इतना सुंदर चना खेत, मजा आ गया, हमारा किसान तो बहुत ही अच्छा है, इतना शानदार खेती करता है। थोड़ी देर में गांव में हल्ला हो गया कि सोनिया जी आई, सोनिया जी आई, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सोनिया जी देखी, बोली भाई सब राम राम करने लगे, सोनिया जी राम 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 राम। सोनिया जी बोली भक्तों तुम लोग अखबार पढ़ते हो? किसान बोला नहीं साहब अखबार नहीं पढ़ते हम। बोले टीवी देखते हो? बोले नहीं भाई साहब टीवी भी नहीं देखते।
तो कैसे जाने कि मैं सोनिया हूँ? अरे मैडम, कैसे नहीं जानेंगे? चने के खेत, आप गवार की खेत को चने की खेत कर रही हो तो कैसे नहीं जानेंगे? ये काम तो सोनिया ही कर सकती है, और कोई इसमें ऐसा काम नहीं कर सकती, ना ऐसा बोल सकता। तो जिस देश की, जो भारत माता बनी हुई है हमारी सोनिया गांधी, जिसको चना और गवार नहीं, अंतर नहीं समझ में आता, वो आज गहलोत को चला रही है और देश को चला रही है दोस्तों। तो इस देश का क्या हाल होगा? हमारे किसान भाइयों का दर्द वो अटल बिहारी वाजपेयी समझता था, वो वसुंधरा राजे समझती है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समझता है, पर ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ सकते। अब वक्त क्या है, इस चिलचिलाती धूप में, बारिश में, तूफान में वसुंधरा राजे निकल पड़ती है, और आप सब लोगों से अपना समर्थन मांगने निकली है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने वसुंधरा जी को स्नेह और प्यार दिया है, वो कमाल का ही है। पूरा राजस्थान उनको मुख्यमंत्री देखने को आतुर है, और मुझे मालूम है कि बांसुर के लोग भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे, और आपके विधायक को भरपूर में जिता के भेजेंगे, तभी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और रोहिदास जी केवल विधायक ही नहीं बनेंगे, वो बहुत कुछ बनेंगे अगर आप लोगों ने अच्छे मतों से उनको जिता के भेजा। तो अगर अच्छे मतों से जिता के नहीं भेजा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इससे आप लोग तबीयत से लग जाओ। एक फिल्म देखी थी दोस्तों, भाग मिल्खा भाग, देखा है क्या आप लोगों ने? नौजवान साथी होंगे, एक बहुत मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही है फिल्म भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह बहुत बड़ा देश का खिलाड़ी था, फिल्म बनी, पर अब तो मुझे राजस्थान में लगता है कि जनता कह रही है भाग गहलोत भाग, जल्दी से तू भाग, दिल्ली भाग, बंबई भाग, या फिर इटली भाग, पर राजस्थान को छोड़, ये राजस्थान की जनता लगा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। जय हिंद, जय